अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आज मैं ह्यूस्टन में हूँ। बाहर का मौसम जो है वो गर्म गर्म हो रहा है। मेरी शक्ल आपको बहुत अच्छी नज़र नहीं आ रही, लेकिन मेरी शक्ल तो बेकार सी है, क्या करेंगे। देख के बात होनी चाहिए। तो मेरे साथ आज ज्वाइन करेंगे हमारे पाकिस्तान के एक बहुत ही मशहूर और अजीम और ज़बरदस्त, और बहुत सारी डिक्शनरी मुझे निकालनी पड़ेगी अच्छे अच्छे लफाज ढूंढने के लिए, उनसे बात उनकी बातों को सुनने के लिए। उनका अजीम नाम है मोहसिन नवाज़ भाई। मोहसिन नवाज़ भाई एक शो करते हैं। आज मेरी पहली दफ़ा उनसे फेसबुक लाइव पे बात हो रही है, और उसके अलावा मेरी पहली दफ़ा उनसे बात भी पहली दफ़ा हो रही है। आज से पहले कभी उनसे मेरी बात नहीं हुई, तो उनका ये ख्याल था कि हम पहले मिल चुके हैं। और यही फेसबुक की ताकत है कि हमें मुलाकातें भी नहीं होती, और लगता ही है कि हम तो उनको जानते हैं। और उनको भी ये लग रहा था कि मैं उनको जानता हूँ, और मुझको भी लग रहा था कि मैं उनको जानता हूँ। और उनके बच्चे जो हैं सलमान और अली, बहुत ही ज़बरदस्त प्यारे प्यारे अजीम लीडर्स हैं इस मुल्क के, क्योंकि वो वीडियोस बनाते हैं और अच्छी अच्छी बातें कैरेक्टर के ऊपर काम करते हैं कि अच्छा कैरेक्टर जो है इंसान का वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसी को अच्छा करने के लिए वो अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाते हैं। बहुत मज़े मज़े की कहानियाँ सुना रहे होते हैं। तो मैं भी उनकी वीडियो जैसी मुझे मिलती है तो मैं ज़रूर सुनता हूँ, क्योंकि उनकी कहानियाँ बहुत डीप और बहुत वाइज होती हैं। क्योंकि अगर आप बाइबल को देखें, कुरान शरीफ को देखें, तो उसमें कहानियाँ होती हैं, और कहानियाँ इंसान का दिमाग जो है वो कहानियाँ याद रखता है। अगर मैं आपको 5-10 नंबर बता दूं तो कुछ याद नहीं रहेगा, लेकिन आपसे किसी फिल्म की कहानी पूछूं उसमें क्या हुआ था तो आपको याद रहेगा, बिकॉज हमारा जो दिमाग का स्ट्रक्चर है वो कहानियों में सोचता है। तो मोहसिन भाई, आपका जो मोबाइल है उसको साइडवेज करके अनलॉक कर लें, सो दैट हम आपके साथ आ सकें। अगर नहीं, फिर भी नहीं आएगा तो मुझे कॉल को मैं एंड करता हूँ, दोबारा आता हूँ, और दोबारा आके फिर आप को मैं बुलाता हूँ। क्योंकि अभी कोशिश करते हैं लास्ट एक और अंदर लेने की। हमने इसको दबाया, ब्रिंग ऑन कैमरा, सो हम दोनों से बात कर रहे होंगे, सारी दुनिया देख रही होगी। अच्छा, अभी नहीं आ रहा, अभी बंद है, ओके, इनविटेशन चला गया, अभी तुम नहीं हो। ठीक है, मैं हूँ लाइव, हूँ, 24 लोग देख रहे हैं, एंड ये रिकॉर्डिंग भी वहाँ पड़ी रहेगी, एंड एनीबडी कैन वॉच इट एनी टाइम। मुझे लग रहा है हमारा खाना स्किप हो रहा है आज। आप अली जकरिया को जानते हैं? नहीं मैं भी देख रहा हूँ, मामू भी देख रहे हैं, मुस्तफ़ा गया है, मैं भी देख रहा हूँ। मुस्तफ़ा यार, आप अब्बू भाई के को पटाएं यार, किसी तरह लाइव करें, और आप खुद भी लाइव आया करें यार। अच्छी अच्छी बातें आप बताएंगे तो हमें पता चलेगा। कल आपने मुझे क्लिक भेजा था, वहाँ क्लिक में गया, क्लिक बंद था, विच इज़ क्लियर लाइक इस्लामिक सेंटर। आई वॉज नॉट वेरी इम्प्रेस, बिकॉज मैं वहाँ पहले भी एक दफ़ा जा चुका हूँ, पहले भी वो बंद था। और मस्जिद को क्यों बंद होना चाहिए यार, मस्जिद है, बहरहाल होगी कोई वजह। एनीवेज, तो मैं गया था, मैंने बाहर ही फोटो लगा के आ गया था, बट मैंने वहाँ पे एक रेजिडेंट को फ़ोन किया, काफ़ी मशहूर वहाँ के रेजिडेंट को फ़ोन किया। उन्होंने कहा यहाँ तो कोई कॉफ़ी शॉप नहीं है, यहाँ तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके बारे में मुस्तफ़ा ने आपको बताया था। तो मुझे लगता है मुस्तफ़ा को खुद ही ले जाके वो चीज़ें दिखानी पड़ेगी। मुझे ये लग रहा है कि मुझे साइडवेज के बजाय स्ट्रेट मैं कॉल करता हूँ दोबारा। मोहसिन भाई, मैं लाइव आता हूँ, फिर हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।